नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और हरियाणा से एक बड़ी खबर आ रही है, किसानों के आंदोलन से घबराई खट्टर दुष्यंत सरकार। जी हां, हम आपको बता दें कि जिस तरह से किसान संगठनों ने घोषणा की थी कि 20 सितंबर को पूरे हरियाणा प्रदेश में चक्का जाम कर दिया जाएगा, उसको ले कल यानी 20 सितंबर को रास्ता रोको आंदोलन के दौरान किसानों को कहीं भी नहीं रोकने टोकने के अफसरशाही को दिए गए हैं आदेश। हालात पर नजर रखने के लिए पूरे प्रदेश में वरिष्ठ अधिकारियों की लगाई गई हैं ड्यूटियां। 10 सितंबर को कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर मचे बवाल से किसानों के घेरे में घिरी खट्टर दुष्यंत सरकार आंदोलन को लेकर प्रेशर में आ गई है। घबराई हुई सरकार ने कल 20 सितंबर को पूरे प्रदेश में किसानों के रास्ता रोको आंदोलन के दौरान अफसरशाही को आदेश जारी किए हैं कि किसानों को कहीं भी ना रोका जाए और ना टोका जाए और उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने दिया जाए। हालात पर नजर रखने के लिए पूरे प्रदेश में सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। मुख्यमंत्री खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला दोनों ही इस बात से डर रहे हैं कि आंदोलन और ना भड़क जाए। किसानों को शांत करने के लिए जहां एमएसपी और मंडियों को लेकर पॉजिटिव दावे किए जा रहे हैं, वहीं किसानों के समर्थन में बयान भी दिए जा रहे हैं। गठबंधन सरकार को यह पता चल गया है कि किसानों के साथ अब व्यापारी, आढ़ती और मजदूर भी मैदान में उतर गए हैं, जिसके चलते हालात बद से बदतर हो सकते हैं। आंदोलन के और ज्यादा भड़कने से जहां सरकार को जवाब देना मुश्किल होगा, वहीं बीजेपी और जेजेपी दोनों को ही भारी सियासी नुकसान हो जाएगा। इसी खतरे को भांपते हुए 20 सितंबर के रास्ता रोको आंदोलन को बिना किसी रुकावट के होने देने के लिए अफसरशाही को निर्देश दिए गए हैं। बेहद खराब हालात में ही किसानों के साथ अफसरशाही सख्ताई के साथ पेश आएगी। और यह बात भी सामने आ रही है कि, या यूं भी कह सकते हैं कि किसान आंदोलन के सामने खट्टर दुष्यंत सरकार ने घुटने टेक दिए हैं और वह किसी भी सूरत में उनके साथ टकराव मोल लेना नहीं चाहती है। और बार बार सरकार की ओर से यही संदेश दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री स्वयं यह संदेश दे चुके हैं कि एमएसपी में और मंडियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।